वैसे तो आज चैत्र नवरात्रि की नवमी है, लेकिन साथ में रामनवमी का त्योहार भी आज ही मनाया जाता है। तो रामलला के जन्मदिन पे मैं खास और स्वादिष्ट रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो हमारे यहाँ हर साल बनाया जाता है। ये देखने में कुछ हद तक आपको स्टफ्ड पराठा के जैसा लग रहा होगा, जो कि है भी, लेकिन ये काफी यूनिक, क्विक और हेल्दी पराठा है। ये अपने आप में कंप्लीट मील है जिसके साथ और कोई सब्जी या साइड डिश की जरूरत नहीं होती। आप इसे कर्ड या अपने कोई भी फेवरेट चटनी के साथ इजीली खा सकते हो। तो बने रहिएगा एंड तक, क्योंकि मैं शेयर करने वाली हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स जिसके बिना ये डिश परफेक्ट नहीं बनेगी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई कुकिंग चैनल हेल्दी अम्प्रीट। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आज की डिश की स्टफिंग तैयार कर लेंगे। आज के पराठे की स्टफिंग बनने वाली है चने की दाल की, इसलिए इस पराठे को दाल भरा पराठा या दलपूड़ी भी कहते हैं। सबसे पहले हमें ले लेना है चना दाल और उसे अच्छे से धो लेना है। फिर हमें इसे कुकर में डाल के विसल लगाना है। हमें दाल को पूरी तरह से गलाना नहीं है, आधी ही पकानी है। इसके लिए आपको या तो धीमे आंच पे एक विसल या फिर तेज आंच पे दो विसल आने तक पकाना है। अगर आप दाल को पहले से 1 से 2 घंटे तक भिगो के रखते हैं तो इजीली एक विसल में दाल आसानी से पक जाएगी। बट इंस्टेंटली बना रहे हो तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 विसल लगा लो, आपकी दाल अच्छे से आधी पक जाएगी। साथ ही मैंने डाला है नमक स्वाद अनुसार और अब हम इसे गैस पे 2 विसल आने तक पका लेंगे। तो दाल हमारी आधी पक चुकी है और कुकर भी नॉर्मल टेम्परेचर पे आ चुका है। इस स्टेज पे हम दाल को एक छन्नी की मदद से अलग कर लेंगे और एक परात में अच्छे से फैला के ठंडा होने के लिए रख देंगे। दाल का पानी हमें फेंकना नहीं है, इसका इस्तेमाल हमें पराठे की आटा लगाने के लिए करना है। जब तक दाल हमारा ठंडा हो रहा है तब तक हम आटे की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 कप से ज्यादा आटा लिया है। हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून अजवाइन। अजवाइन को अपने हाथों से यूं क्रश करके डालें, इससे इसका फ्लेवर निखर के आता है। साथ ही डाला है नमक स्वाद अनुसार। ध्यान रहे नमक यहाँ पे थोड़ा हिसाब से डालिए, क्योंकि हमने दाल में भी नमक डाला है और साथ में दाल का पानी में भी नमक है जिसका इस्तेमाल हम आटा लगाने में करने वाले हैं। पहले आटे को अच्छे से मिला के फिर थोड़ा थोड़ा पानी देते हुए एक सॉफ्ट सा डो प्रिपेयर कर लेना है। डो आपको बिल्कुल फुलके या नॉर्मल पराठे के जैसे बनाते हैं ना, वैसे ही बिल्कुल प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए आटे को अच्छे से मिक्स करते हुए डो प्रिपेयर कर रही हूँ। आटा हमने अच्छे से गूंद लिया है, हम इसे ढक के 10 मिनट तक कम से कम रेस्ट होने देंगे और तब तक हम स्टफिंग के लिए दाल भी ठंडी हो चुकी होगी, तो चलिए उसे भी देख लेते हैं। तो दाल हमारी ठंडी हो चुकी है, देखिए कितनी खिली खिली हुई है। अब हम इसे एक मैशर की मदद से क्रश करते हुए दरदरा से स्टफिंग प्रिपेयर कर लेंगे। अगर आपके पास मैशर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे आप किसी भी स्टील की ग्लास या कटोरी के बैक साइड से भी इजीली क्रश कर सकते हो, उससे भी इजीली आपका मैश हो जाएगा। या फिर आप मिक्सचर में भी व्हिपिंग मोड में चला सकते हो, लेकिन ध्यान रहे ज्यादा देर तक न चलाएं, क्योंकि हमें इसे बारीक नहीं पीसनी है, वरना ये चिपचिपी सी हो सकती है। अगर आपकी दाल ज्यादा पक जाती है या फिर आपने उसे अच्छे से सुखाया नहीं तो आपकी ये मिश्रण थोड़ी गीली सी या चिपचिपी सी बनेगी, बट कोई दिक्कत नहीं है। उसे कैसे ठीक करना है उसे भी मैं आगे के स्टेप में बताऊंगी। तो दाल हमारा अच्छे से क्रश हो चुका है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे के स्टेप की ओर। अब हम लेंगे एक पैन जिसमें स्टफिंग को डाल के थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। सबसे पहले डालेंगे कुकिंग ऑयल 1 से 1.5 टेबल स्पून। तेल के गर्म होते ही डालेंगे जीरा और रेड चिली। यहाँ पे मैंने 1 कप दाल के हिसाब से 1 टीस्पून जीरा और 3 से 4 सूखी लाल मिर्च लिया है। जीरा और लाल मिर्च के भूनते ही डालेंगे बारीक कटी हुई लहसुन तकरीबन 1 टेबल स्पून और अच्छे से सुनहला होने तक भून लेंगे। इस स्टेज पे डालेंगे मैश किया हुआ दाल और अब हमें धीमी आंच पे कंटिन्यूसली चलाते हुए इसे रोस्ट करना है। दाल को रोस्ट करने से उसमें जो भी एक्स्ट्रा नमी होती है वो चली जाएगी और हमारा स्टफिंग काफी खिला खिला प्रिपेयर होगा। अगर आपकी दाल ज्यादा पक गई हो या गल गई हो तो इस स्टेज पे आप ज्यादा देर तक उसे रोस्ट करके सुखा सकते हो, अदरवाइज 5 मिनट काफी है दाल को रोस्ट करने के लिए। यहाँ पे एक बार आप नमक वगैरह भी चेक कर लें, अगर कम है तो डाल के एडजस्ट कर लें। तो दाल हमारा भूनते हुए 5 मिनट हो गया है। अब हम इस स्टेज पे एक परात या थाल में निकाल के इसे ठंडा कर लेंगे। आटा भी हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है और स्टफिंग भी ठंडी हो चुकी है। चलिए पराठे बनाते हैं। पराठे बनाने का सेम प्रोसीजर है जैसे कोई भी स्टफ्ड पराठा हम बनाते हैं। यहाँ पर मैंने वापस से आटे को एक बार मिक्स कर लिया। अब हम एक लोई लेंगे, अब जिस भी साइज का बनाना चाहते हो इसे डस्टिंग करके इसकी एक कटोरी बना लेंगे। इसमें अब मैं स्टफिंग डालूंगी। देखिए
ठंडा होने के बाद स्टफिंग कितनी खिली खिली लग रही है। अब जिस भी तरीके से स्टफिंग करते हो आप इजीली कर सकते हो। ये स्टफिंग न ज्यादा चिपचिपी है ना ही ज्यादा सूखी है, इसकी स्टफिंग करना बहुत ही आसान है। अब हम इसे रोलिंग पिन की मदद से बेलते हुए एक पराठे का शेप दे देना है। हमें ज्यादा पतला नहीं करना है, थोड़ी मोटी ही रखनी है ताकि पराठे आपके फटे नहीं। अब हम इसे गर्म तवे पे सेक लेंगे। जब पराठा दोनों तरफ से सिक जाए तभी घी या कुकिंग ऑयल डालें, पहले न डालें। यहाँ पे मैंने दोनों तरफ से घी डाल के सेक लिया है और ये देखिए हमारी स्टफिंग बिल्कुल भी नहीं फटी है और कैसे गुब्बारे के जैसे फूल गई है हमारे पराठे, और हमारा गर्मा गर्म दाल भरा पराठा बनके तैयार है। आप इसे ठंडी ठंडी दही अचार या आपके पसंद की कोई भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, या फिर अगर आप मीठा पसंद करते हैं तो आप इसे चावल की खीर के साथ भी इसकी प्लेटिंग कर सकते हैं, जो कि मेरी फेवरेट है। तो आज की रामनवमी की स्पेशल रेसिपी जरूर ट्राई करें और इंजॉय करें। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल पर नई हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।